नमस्कार, मैं हेमंत जयसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर। रविवार को दो नाबालिग बालिकाएं पचपाड़ से भवानी मंडी पाठशाला में अध्ययन के लिए रिक्शे में आ रही थी, उसी बीच दोनों की बातचीत कुछ इस बातचीत को लेकर दो परिवारों के बीच मारपीट हो गई। मामला थाने जा पहुंचा। पचपाड़ निवासी सुरेश जैन ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मेरी लड़की और उसके साथ जा रही लड़की दोनों के बीच किसी बात को लेकर आपस में बोलचाल हो गई। मेरी लड़की ने घर आकर सारी बात बताई। जब अगले दिन सोमवार को जब वह मेरी पत्नी व लड़की समझाइश के लिए उसके परिवार वालों के घर गए, तब वहाँ पर मौजूद चेतन पुत्र बाबूलाल जैन, जिसने घर पहुँचते ही मेरी लड़की व पत्नी से अभद्रता करते हुए मारपीट की, जिससे मेरी लड़की और पत्नी को चोटें आई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भवानी मंडी के रामनगर स्थित हनुमान मंदिर के सामने चल रही संगीत में श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ के षष्ठम दिवस की कथा में कथा व्यास भागवत कथा मर्मज परम पूज्य सत्य महाराज ने भगवान की श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं में से श्रेष्ठम लीला रास लीला का वर्णन करते हुए बताया कि रास तो जीव का शिव से मिलने की कथा है, यह काम को बढ़ाने की नहीं काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। कामदेव ने पूर्ण सामर्थ्य से भगवान पर आक्रमण किया, लेकिन वह शिव से परास्त हुआ था। रासलीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए महाराज ने कहा कि जब जीव में अभिमान आता है तब भगवान उनसे दूर हो जाते हैं, विरह में होने पर ही श्री कृष्ण अनुग्रह करते हैं और दर्शन देते हैं। भवानी मंडी कोटा से आए वरिष्ठ अधिवक्ता रघुनंदन गौतम ने भवानी मंडी में अधिवक्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण परिचर्चा की, जिसमें उन्होंने राजस्थान बार काउंसिलिंग के आगामी चुनाव के संदर्भ में अधिवक्ताओं को हित पर बल दिया। उन्होंने एकता और साझेदारी पर जोर देते हुए अधिवक्ता समुदाय के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलुओं की आवश्यक पर प्रकाश डालते हुए रघुनंदन ने अधिवक्ताओं को आपसी सहयोग और समर्थन के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं पेशेवर उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। भवानी मंडी सहायक रिटर्निंग अधिकारी छत्रपाल चौधरी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र डग में नियुक्त उड़नदस्ता दल प्रभारी अधिकारी एवं दल नियुक्त पुलिस अधिकारियों की संयुक्त मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में SDM ने बताया कि चुनाव आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार उड़नदस्ता आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधित शिकायतों की सभी मामलों पर कार्रवाई करेगा। आमजन को डराने धमकाने असामाजिक तत्वों द्वारा हथियार मादक पदार्थ मदिरा नकदी राशि आदि के लाने ले जाने की सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। इसके अतिरिक्त उड़नदस्ता दल द्वारा मौके पर किसी भी वाहन को रुकवाकर वाहनों की तलाश ली जा सकेगी। यदि जांच के दौरान अभ्यर्थी उसके एजेंट अथवा पार्टी कार्यकर्ता के पास 50,000 रुपये से अधिक की नकदी पाई जाती है तो उसके जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भवानी मंडी क्षेत्र में आचार संहिता लगते ही अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आचार संहिता का असर देखने को मिला है। नगर में लगे विभिन्न होल्डिंग्स बैनर को नगर पालिका द्वारा हटाया जा रहा है। नगर पालिका टीम ने राजनीतिक दलों से संबंधित होल्डिंग्स को लगाना शुरू कर दिया है। पालिका टीम द्वारा जगह जगह चौराहों पर होल्डिंग बैनर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। डग कस्बे के सोमेश्वर महादेव मंदिर पर जाजू महिला मंडल ने गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ फागोत्सव मनाया, जिसके अंतर्गत महिलाओं ने फाग गीत गाते हुए गुलाल व फूलों से होली खेलकर एक दूसरे को होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दी। फाग गीत गाने के बाद महिलाओं ने सर्वप्रथम भगवान को गुलाल लगाया, इसके बाद आपस में फूल तथा गुलाल से होली खेली, एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। राधे कृष्ण खेल प्रतियोगिता कर पुरस्कार भी दिया गया। डग में कार्यालय विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी ने महात्मा गांधी नरेगा लोकसभा चुनाव 2024 की गतिविधियों के अंतर्गत पंचायत समिति डग के सभी 32 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र राजीविका समूह को स्वयं गतिविधियों के अंतर्गत मतदान करने की शपथ दिलाई। विकास अधिकारी भानु मौली मौर्य द्वारा ग्राम पंचायत डोबड़ा में नरेगा कार्य अमृत सरोवर निर्माण डोबड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें 70 में से मौके पर सिर्फ 53 श्रमिक व कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट कार्य डोबड़ा पर 50 में से 39 श्रमिक ही मौके पर पाए गए। मनोर थाना अखिल भारतीय लोधा लोधी महासभा द्वारा अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई का 167वां बलिदान दिवस समारोह लोधा समाज छात्रावास में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष रामकृष्ण लोधा ने बताया
कि बलिदान दिवस समारोह में विधायक सहित वक्ताओं ने वीरांगना महारानी अवंतिका बाई लोधी की जीवनी पर प्रकाश डाला व उनके आज़ादी के लिए संघर्ष को याद किया। इस मौके पर अवंतिका बाई सर्कल पर मौजूद लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। स्वीप कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति मनोर थाना के ट्राई सब भवन में स्वीप प्रभारी विकास अधिकारी कैलाश मीणा की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए आमजन को मतदान के लिए जागृत करने के उद्देश्य से विकास अधिकारी कैलाश मीणा द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए घर घर जाकर मतदान के लिए जागरूक करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही प्रगति प्रसार अधिकारी विजय मीणा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित वोटर हेल्पलाइन ऐप विजिल ऐप सक्षम एम KYC ऐप की विस्तृत जानकारी भी दी गई। झालावाड़ जिले के चौमेला में विश्व गोरिया दिवस के अवसर पर बुधवार को चौमेला के मुन्नी देवी आदर्श विद्या मंदिर एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल किड्स लॉन्चर एकेडमी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय व माँ गायत्री महाविद्यालय रोजाना में गोरैया संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यावरणविद दशरथ नंदन पांडे ने की एवं मुख्य अतिथि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगधार के प्रधानाध्यापक कुमोद शर्मा रहे। कार्यक्रम में विद्यालयों के छात्र छात्राओं को लुप्त होती प्रजाति की चिड़िया गोरैया के संबंध में जानकारी दी गई। झालावाड़ में विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर जागरूक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रैली AAN ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं ने भाग लिया, जिनके द्वारा मुख्य स्वास्थ्य के संबंध में नारों के उद्देश्य उद्घोष भी लगाए गए। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने आज शहर के ऐतिहासिक गढ़ परिसर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने गढ़ परिसर की पुरानी क्षतिग्रस्त हो रही दीवारों और कंगूरों के लगातार कमजोर होने और क्षतिग्रस्त हालात को होने को लेकर जानकारी ली। साथ ही उन्होंने दीवारों के पास हो रहे अतिक्रमण को भी तुरंत हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने समूचे परिसर में घूमकर सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्कूली बच्चों के साथ और स्थानीय नागरिकों के साथ में ज़्यादातर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के साथ साथ इस हमारी विरासत के संरक्षण करने के लिए भी उनको प्रेरित किया गया। एक नगर परिषद के सहयोग से यहाँ पे सफाई अभियान की भी हमने शुरुआत करी है। हमारी जो पुरानी इमारतें हैं इनमें जो जर्जर हो चुके भवन उनके बारे में भी हमने विचार किया कि उनका क्या कर सकते हैं। साफ़ सफाई का जो अतिक्रमण है उनके बारे में एक रिपोर्ट के लिए मैंने नगर परिषद को कहा है, वो तैयार करके इस पूरे कैंपस को साफ़ सुथरा और जो भी आमजन यहाँ आना चाहे वो सुविधापूर्वक इस इलाके का भ्रमण कर सके, ये सारी की सारी व्यवस्थाओं को हमने जायजा लिया और इसके लिए कोई आगे हम कोई कार्य योजना बना करके उसके काम। सर, इस परिसर में फोर व्हीलर खड़े हुए हैं, चौपाटी लगती है, उसको लेकर किस तरीके? देखिए, अभी ये व्यवस्था आज से नहीं, ये व्यवस्था काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो हम सोच रहे हैं कि अल्टरनेट पार्किंग हम कहाँ दे सकते हैं और चौपाटी के लिए जो पीछे जो जगह है पड़ी है उसको शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसी कार्य योजना बना करके उस पर भी हम काम करेंगे ताकि पार्किंग और जाम की समस्या यहाँ नहीं रहे। उनेल से खेमेसरा परिवार द्वारा 100 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सावने सेठ की यात्रा करवाई। नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से कस्बे के खेमसेरा परिवार ने 100 बुजुर्गों श्रद्धालुओं को बस से चित्तौड़ के सावरे जी के तीर्थ यात्रा करवाई। यात्रा मंगलवार सुबह 5 बजे कस्बे के विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर तीर्थ से शुरू हुई, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद आवरी माता, भादव माता व सावरे सेठ पहुँची, जहाँ सभी तीर्थयात्रियों ने ढोल धमाकों के साथ भगवान सावरे सेठ के दर्शन किए। दर्शन के बाद सभी तीर्थयात्रियों का खेमसा परिवार के अजय कुमार अंतिमा जैन द्वारा फूलमाला पहनाकर भगवान सावरे सेठ की प्रतिमा साल देकर सभी को बहुमान किया गया। इस दौरान जितेंद्र जैन, पवन कामरिया, गोपाल गोंगा सेठ, मुकेश व्यास, नरेश कोठारी, गोकुल सिंह, कुलदीप जैन, विनय पारिख, सुशील जैन, नितिन जैन, सोनू जीवन सिंह, यश जैन ने कस्बे के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को यात्रा करवाने पर अजय कुमार का अंतिमा जीवन को खमेसरा को फूलमाला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन। देश में पशु पक्षियों की कई प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, जिन प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। प्रदूषण की रोकथाम के साथ वन्य जीवों का संरक्षण किया जाना नितांत आवश्यक है। जिले के सुनेल निवासी गोविंद धाकड़ पिछले 8-9 वर्षों से लगातार गर्मी और सर्दी की बारिश के मौसम में भी पक्षियों के संरक्षण में जुटे हैं। धाकड़ ने बताया कि राजस्थान में कई पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन उनके संरक्षण की कोशिश कर रही है। उनके यहाँ लगभग 8 प्रकार की चिड़ियाँ, तोता, कबूतर, चींटी, गिलहरी, कौवा और मोर सहित विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षी यहाँ आते हैं और दाना पानी
खाते हैं। गोविंदाकर ने लकड़ी के इको फ्रेंडली घोंसले बनाकर पेड़ों की डालियों और दीवारों पर टांग रखे हैं। महिला सोशल ग्रुप शिव मंदिर बिरसोदा मंडी के तत्वाधान में कविता गोटा के नेतृत्व में फागोत्सव मनाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाओं ने एक वेशभूषा में भोलेनाथ के साथ गुलाल रंग लगाकर त्यौहार को मनाया। उत्सव की उमंग पूरे क्षेत्र में मान्यता है कि वही क्षेत्र के KBLO द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फागोत्सव के माध्यम से अधिक मतदान और मतदाताओं को अवगत कराया। BLO मीणा शर्मा और सुशीला यादव, वर्षा मीणा वहाँ उपस्थित होकर मतदाताओं को शपथ भी दिलाई। मंदसौर के संजीत रोड के निकट भूखी फंटे पर DJ वाहन और कार के बीच सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आदिवासी संगठन जैस के नेता संजय खाड़ी के और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए, जिनके उपचार हेतु रतलाम मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे की है। जैस के नेता संजय खाड़ी उनके 2 साथियों के साथ अपने गाँव जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। थाना YD नगर पुलिस में मिली जानकारी के अनुसार बीती रात संजीव रोड पर भूखी फंटे के पास इको कार और DJ वाहन की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में आदिवासी जैस संगठन के नेता संजय खाड़ी निवासी मंदसौर, नागदा जिला उज्जैन निवासी दीपक पिता प्रमोद भिल व इनका भाई सुवांश पिता प्रमोद भिल गंभीर रूप से घायल हो गए। मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 20 में पार्षद दिव्या अनुपमाहेश्वरी द्वारा क्षेत्र में फागु महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव में क्षेत्र की महिलाओं व नगर पालिका जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी की। बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने फाग गीतों गाए और रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को फागुन मास की बधाई दी। नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुजर, उपाध्यक्ष नम्रता चावला भी वार्ड 20 में आयोजित इस फागु महोत्सव में पहुंची और सभी महिलाओं को रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। मंदसौर के खाटू श्याम मंदिर में फागु महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रतिदिन विभिन्न आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। आज बुधवार को फागुन मास की एकादशी के अवसर पर शहर में भव्य निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा शहर के गांधी चौराहा विश्वपति शिवालय से प्रारंभ हुई, जो शहर के में भ्रमण के बाद खाटू श्याम मंदिर पहुंची। यहां बाबा को 56 भोग लगाया गया, विशेष श्रृंगार भी किया गया। निशान यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधू कचोरी एंड मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधू के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधू मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधू आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।